दमोह कृषि उपज मंडी में व्यापारियों और किसानों के बीच हुई तूतू मैमे के बाद जहां व्यापारियों के द्वारा डाक बंद कर दी गई तो वहीं किसानों के द्वारा सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करके जाम के हालात निर्मित कर दिए गए। दरअसल व्यापारियों और कुछ किसानों के बीच हुआ विवाद बढ़ता चला गया तो जहां व्यापारियों के द्वारा डाक बंद कर दी गई तो वहीं किसानों ने मुख्य मार्ग पर पहुंच करके इसका विरोध जताते हुए रास्ते को जाम कर दिया। जहां व्यापारियों का कहना है कि कुछ किसानों के द्वारा व्यापारियों से अभद्र व्यवहार किया गया और उसके बाद व्यापारियों के द्वारा डाक को बंद करने का निर्णय लिया गया तो वहीं किसानों के द्वारा व्यापारियों के माल को टीन शेड से अलग करने की मांग की गई। कुल मिलाकर के व्यापारियों और किसानों के बीच हुए इस विवाद के चलते काफ़ी देर तक कृषि उपज मंडी सहित दमोह सागर मुख्य मार्ग पर हंगामे के हालात बनते नजर आए। एशियन न्यूज़ के लिए राजकुमार जैन राजू की रिपोर्ट। आप लोग व्यापारियों ने डाक बंद कर नरेंद्र पटेल भैया, ये व्यापारियों के जो माल रखा है और यहाँ पाला हो रहा है, उचराओ खाली कराओ, उसको किसानों में दिक्कत होती है, जगह नहीं बचती है, तो ऊट पटांग जगह हम लोग माल रखते हैं। तो नरेंद्र बजाज जी ने बोला कि कोई माल खाली नहीं होगा और अभी से डाक बंद की जाती है, इतनी बात है। उन्होंने तत्काल डाक बंद करा दी। मंडी निरीक्षक का कहना कि आप लोगों ने उनके साथ धुमाझटकी की है। नहीं, उन्होंने हम लोगों के साथ धुमाझटकी की है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया हम लोगों के पास, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं नरेंद्र बजाज जी, उनका अध्यक्ष है। अभी ये मालूम नहीं है क्या है, लेकिन किसी भी पद पे है वो, तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि लिखित प्रमाण में हमको दिया जाए कि आज की बात कभी भी किसी भी वाद विवाद पर मंडी की डाक बंद नहीं होगी और ये टीनों के सेट खाली करा जाए, यहाँ पर व्यापारियों को माल नहीं रखा जाएगा कभी भी। ये हम किसानों के लिए है। किसानों के द्वारा जाम इसलिए लगाया गया है क्योंकि व्यापारी डाक नीलामी कार्य चल रहा था, तो व्यापारी निकले तो उनकी ढेरी के दाने बिखर गए, तो किसान ने व्यापारी से झूमा झपटी कर दी और उसको खींच दिया, तो फिर व्यापारियों ने डाक बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि नरेंद्र बजाज के द्वारा ये डाक रोकी गई है जी। किसानों का आरोप है नरेंद्र बजाज के द्वारा ये डाक रोकी गई है और उनके साथ अभद्रता की गई है। तो नरेंद्र बजाज का ये कहना है, मैं नरेंद्र बजाज के यहाँ भी गया था, तो उनका ये कहना है कि किसानों ने उनके लिए धक्का मुक्ति की, उनके लिए धक्का दिया, तो चूँकि वो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं तो उनने सब व्यापारियों को बुलाकर उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने डाक बंद कर दी। अभी आपने किसानों से बात की है क्या? हाँ, किसानों से भी बात की। क्या बोल रहे हैं किसान? किसानों का ये कहना है कि भाई नरेंद्र बजाज यहाँ आकर के मांग, उसके बाद धरना खत्म होगा।